नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी से जो रिकमेंड है वो देखा जाए तो बहुत बढ़िया एक रिकमेंड यहाँ पे सामने लेके आया है, और वो भी 146 वैकेंसीज का। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, पब्लिक देखा जाए तो प्रोस्पेक्टस, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आदर्श भी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस सारे डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। जॉब कैसे अप्लाई करेंगे, उसका नोटिफिकेशन क्या रहेगा, कौन सा लिंक में जाकर आपको अप्लाई करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूँ। तो उससे पहले मैं टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करने के लिए बोलूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूँगा। और मेरा नया सीरीज कंप्यूटर स्किल के वीडियोज जरूर देखिए, जहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलेगा, जिस इन्फॉर्मेशन लेकर आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो जॉब है वो टोटली देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जॉब है आपको यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन से रिकमेंड किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट में आपको जॉब मिल सकता है। 146 वैकेंसीज है, जिनमें आप देखेंगे तो रिसर्च ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 17 वैकेंसीज, पब्लिक प्रोफेसर के लिए 48, जूनियर इंजीनियर के लिए 78, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। कुल मिलाकर 146 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स, एससीएसटी के लिए 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसीडर रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से इज गोइंग टू, यहाँ पे देख सकते हैं कंडक्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, मतलब सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू के टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई भी आपको रिटेन टेस्ट, कोई भी अलग एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। सैलरी पैकेज अभी तक डिस्कस कर नहीं गया है, तो एप्लीकेशन का जो फीस है सिर्फ ₹25 आपको देना पड़ेगा, और वो भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे वीसा, मास्टर, रुपे, इस तरीके से कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। फाइन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव डन द यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पास आउट कर चुके हैं, इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, और भी देखिए CMA, CA डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका लास्ट डेट रहेगा 19 मई, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई किस तरीके से करेंगे, उसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे आपको दे चुका हूँ, जहाँ पे जाकर आपको 2 लिंक मिलेगा। इस दोनों लिंक में क्लिक करना, पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आपके सामने इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, जो सारे इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर छुपे हुए हैं, जो डिटेल्स मैं आपके सामने डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको रजिस्टर करना है, तो पहले रजिस्ट्रेशन में क्लिक करिए। तो रजिस्ट्रेशन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले आप इसमें ईमेल एड्रेस डालिए, OTP सेंड करिए, उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैप्चर कोड है वो कैप्चर कोड यहाँ पे आपको लिखना होगा, उसके बाद लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सॉरी उससे पहले आपको रजिस्टर करना है, वो तो आपको लॉगिन पेज है। तो रजिस्टर में आपको क्या है, नाम, आपका नाम वेरीफाई करना है, उसके बाद आप मतलब कौन सा सॉरी आपका फिजिकल हैंडीकेप है कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर, फोन नंबर के साथ साथ ईमेल एड्रेस, सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो इसके बाद आपको लॉगिन पेज में जाकर लॉगिन करना है। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, और मेरा कंप्यूटर स्किल का नया जो वीडियो अपडेट आपको मिलेगा वो कंटिन्यू देखते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।